जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ के एक जवान और उसकी पत्नी ने आज मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर उनके एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत की है। एसएसपी अमित पाठक के सामने पेश होकर सीआरपीएफ के जवान जसवीर सिंह और उनकी पत्नी संगीता ने लिखित में शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि कल उनके साथ कांठ थाने के दरोगा कुलदीप और अन्य पुलिस कर्मियों ने अभद्रता और मारपीट की और उन्हें 3 घंटे तक थाने में अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया, जिससे आहत होकर वो आज उक्त पुलिस कर्मियों की शिकायत करने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। पीड़ित पक्ष के अनुसार घटना कल उस समय की है जब कांठ थाना क्षेत्र के उमरी पुलिस चौकी इलाके से गुजरते हुए उनकी गाड़ी एक डीसीएम से टकरा गई थी, जिस मामले में वहां पर तैनात दरोगा कुलदीप और अन्य पुलिस कर्मियों ने डीसीएम को तो जाने दिया और उल्टे उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। उन्हें गालियां दी गई और मारपीट तक की गई और जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा कर कांठ थाने ले गए और वहां पर अवैध ढंग से कई घंटों तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ा, जबकि उनके बच्चे लावारिसों की तरह घटनास्थल पर ही गाड़ी में बैठे रहे। फौजी द्वारा अपना परिचय देने के बाद भी कुलदीप नाम दरोगा ने दोनों पति पत्नी के मोबाइल भी छीन लिए थे। पीड़ित दंपति ने बताया कि वो लोग मूल रूप से अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुछ समय पूर्व ही छुट्टी पर आए हैं। उन्होंने उक्त दरोगा के खिलाफ पुलिस कप्तान तहरीर दी है। जसवीर सिंह, सर, मतलब हम उमरी चौराहे, मतलब उधर डुडेले शादी में से आ रहे थे, तो मेरी वाइफ गाड़ी चला रही थी, शिफ्ट डिजायर, डीसीएम वाला मार के चला गया सर। जी सर, फिर उसके बाद हम पुलिस के पास गए, जो दरोगा हुआ जो इंचार्ज थे कुलदीप कुमार जी, उनके पास गए तो वे और बदतमीजी करने लगे, हमारे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज दिया और मतलब हमारी मैडम के साथ भी बदतमीजी करी और रैपटे उपटे मारने लगे, हमें गाड़ी में बैठा के कांट ले गए। 3-4 घंटे हमारे बच्चे जो है ना उमरी चौराहे पे ऐसे ही बैठे रहे, रोते भी बालते हुए। बच्चे मतलब बच्चे तो हमारे गाड़ी में थे। फिर उसके बाद 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद हमारे को छोड़ा कांट से। सॉरी बोला जी सर, मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर। कौन दरोगा थे? कुलदीप कुमार। बहुत ही अकड़ू दरोगा और बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ दरोगा, बोलने की बिल्कुल भी तरीका नहीं है और बोला तो उसको बिल्कुल आता ही नहीं है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम संगीता है। कहाँ पर रहते हैं आप? कलानगर बस्ता। हस्बैंड क्या करते हैं? जी सीआरपीएफ में है। क्या मामला हुआ? हम शादी में से आ रहे थे डुडैले से, काट के पास है डुडैला, वहाँ उमरी चौराहे मेरी गाड़ी मतलब टकरा गई डीसीएम से। हाँ, टक्कर मार के चला गया। तो मैंने दरोगा से कहा जाके वहाँ पे कि वो तो हाँ, तो पुलिस वालों ने मतलब दरोगा ने उसे पैसे लेके उसे तो भेज दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए दूसरी गाड़ी से उतर के, तो वो मेरे हस्बैंड को मतलब गिरेवान पकड़ के उन्हें गाड़ी में डाल लिया कि इस मतलब दारू पी रखी है, ये कर रखा है, वो कर रहा है। मतलब मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने उन्हें क्यों नहीं मतलब पकड़ा? उसे तो भेज दिया और हमें मतलब थाने में लेके चले गए कांट, और हमारे साथ बदतमीजी की, और ना ही तो साथ में लेडीज़ पुलिस थी, ना ही कोई था। कौन दरोगा थे, क्या नाम था? कुलदीप कुमार। है? कल शाम किया 6:30 बजे। तो ये कौन सा थाने का मामला? कांट। कांट का? क्या था, क्या बदतमीजी करी थी मतलब आपके साथ, कहाँ से कहाँ तक क्या? बदतमीजी मतलब मतलब गाली देने लगे कि आप ये मतलब तू क्या करेगी, हमारा ये करे। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करेंगे, बट आप तमीज से बोल तो सकते हो ना। अच्छा, आपने उनसे कहा था कि मेरे हस्बैंड से जी? मैंने ऐसा मतलब ऐसा तो मौका ही नहीं मिला कहने का, उन्होंने पहले से गिरेवान पकड़ कर उनको गाड़ी में मतलब धक्का देने लगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो और वो ऐसा किसी और के साथ ना करे आगे।